गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप एयरटेल पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट सीएसपी पॉइंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कैसे ले सकते हैं। बेसिकली हमारे बहुत सारे भाई लोगों का यह कमेंट आ रहा है कि सर जो एयरटेल पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो एयरटेल बीसी के बदले में हमसे 1000 रुपया मांग रहे हैं, तो कोई बोला है 1500 मांग रहे हैं, कोई बोला है 2000, 2500, इवन 3000-3500 रुपया तक पैसे मांग रहे हैं। और ऐसे में रिटेलर भाई लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज है, परेशान है, क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक का जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूटर लोग बता रहे हैं वो काफी ज्यादा बता रहे हैं, जिसकी वजह से रिटेलर भाई लोग आईडी नहीं ले पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं कि आखिर एयरटेल पेमेंट बैंक का जो बीसी पॉइंट का जो ओरिजिनल प्राइस है वो क्या है, और साथ में अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपसे ज्यादा पैसा मांगे तो डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में यह वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। देखिए, इवन जब डिस्ट्रीब्यूटर आप लोगों से ज्यादा पैसे मांगता है, जैसे कि अगर 2000 रुपया, 1500 रुपया, 2500 रुपया अगर मांगता है, तो अगर आपको कोई बायोमेट्रिक डिवाइस देता है या फिर कोई जो है कि प्रिंटर देता है या फिर कोई माइक्रो एटीएम मशीन देता है, तब तो प्राइस मान लीजिए ठीक है, चलेगा। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपको कुछ भी नहीं देता है, केवल आपको जो है कि आईडी देता है, ठीक है, नहीं आपको एटीएम का किट देता है, नहीं आप लोग को जो है कि एटीएम मशीन देता है, नहीं बायोमेट्रिक मशीन देता है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर आप लोगों से बहुत ही ज्यादा प्राइस मांगे तो आप लोग को बिल्कुल वो आईडी नहीं लेनी है, क्योंकि यहां पर जो ऑनबोर्डिंग चार्जेस होते हैं वो बहुत ही कम चार्जेस होते हैं, लेकिन यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर आप लोगों से बढ़ा चढ़ा करके बहुत ही ज्यादा प्राइस वसूलते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि एक्चुअल में एयरटेल पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट का प्राइस क्या है। तो यहां पर देखिए, एयरटेल बीसी का कोई भी प्राइस नहीं है, केवल यहां पर ऑनबोर्डिंग का चार्जेस लगते हैं, जो कि या तो आप आईडी लेने के बाद कटा दो अपने पोर्टल से, या फिर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर जो आपका आईडी बनाएगा, जो आपका जो है कि ऑनबोर्डिंग करेगा आपका आईडी, ठीक है, उसके अकाउंट से कट जाए, ठीक है। इन दोनों में से आप लोग कोई भी कर सकते हैं। आप लोग सबसे पहले आईडी ले लीजिए, इसके बाद एईपीएस के माध्यम से पैसा निकाल लीजिए, इसके बाद पैसा निकालने के बाद जो है कि आप लोग का अपने आप पैसा पोर्टल चार्ज कट जाएगा। अब ये चार्ज कितना करता है, अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी पॉइंट या बीसी पॉइंट लेते हैं तो ऑनबोर्डिंग चार्जेस 500 रुपया केवल लगते हैं, और इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं लगता है। और अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपसे आईडी का केवल 1500, 2000, 2500 रुपया अगर मांगता है, तो सबसे पहले उसके प्लान के बारे में आप लोग सुनिएगा, क्योंकि देखिए, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपको अगर 2500 रुपया में अगर आईडी दे रहा है एयरटेल पेमेंट बैंक का, तो उसमें देखिए कई सारे प्लान होते हैं, कई सारे प्रीमियम प्लान होते हैं, जिसमें आप लोग को जो है कि कमीशन ज्यादा मिलता है, ठीक है। लेकिन वो जो कि प्लान 2500 रुपये से स्टार्ट होता है, यहां पर अगर 2500 रुपया मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर आप अगर आपसे लेता है, और 2500 लेने के बाद अगर आपको जो है कि एयरटेल पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट देता है, सबसे पहले आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर से क्लियर कर लीजिएगा कि उसे प्रीमियम प्लान मिलेगा या फिर नॉर्मल बस ऐसा ही एयरटेल का बीसी मिल जाएगा, जहां पर केवल अकाउंट ओपन कर सकता है, पैसा निकाल सकता है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को पहले डिस्कस कर लेनी है डिस्ट्रीब्यूटर से, तब आप लोग को 2500, 3000, 2000 रुपए देनी है, ठीक है। और अगर बेसिकली बात करें कि अगर आप लोग नॉर्मली केवल अकाउंट ओपनिंग का या फिर जो है कि एईपीएस का यानी कि एयरटेल बीसी केवल जो है कि लेते हैं, तो आप लोगों से 500 रुपया लिया जाता है। और यहां पर अगर डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपसे ज्यादा पैसे मांगे तो आप लोगों को 1 रुपया नहीं देनी है, उल्टी एयरटेल पेमेंट बैंक का जो आप लोगों को कस्टमर सपोर्ट नंबर है, ठीक है, वो कस्टमर सपोर्ट पर जो है कि कॉल करके आप लोगों को कंप्लेन कर देनी है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपसे बात करे तो डिस्ट्रीब्यूटर को आप लोग जवाब दे सकते हैं कि कंपनी या तो आप लोगों को ऑलरेडी पेमेंट मंथली पर देती ही है, इसके अलावा जब आप लोग जितना ज्यादा टारगेट कंप्लीट करते हो उसके बदले में अलग से आप लोगों को कमीशन मिलता है, और मेरा ऑनबोर्डिंग करोगे तो उसके बदले में आप लोगों को अलग से 5-6 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, और 5-6 पॉइंट का देखिए ज्यादा कमीशन मिलता है एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटरों को। देखिए, हमारे बहुत सारे भाई लोग को यही नहीं पता है कि उनके एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है एयरटेल पेमेंट बैंक का, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे आप लोग जो है कि रजिस्ट्रेशन करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूटर आपसे खुद पर खुद कॉन्टेक्ट करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर आपको ढूंढते हुए आएगा, ठीक है। उसके लिए आप लोग को सिंपली जो है कि जो आपका एयरटेल मित्र एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आप लोग इसे ओपन करेंगे तो यहां पर बी एन एजेंट का एक ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, यहां पर साइड में आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। यहां पर क्लिक करके आप लोगों को सिंपल डिटेल फिल करके सिंपली साइन अप करना रहता है, और साइन अप करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास आपका डिटेल चला जाता है, और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर आपको कॉन्टेक्ट करता है, कॉन्टेक्ट करने के बाद आपको जो सीएसपी आईडी है प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। और रही बात प्राइस का, तो प्राइस बिल्कुल आप लोगों को ज्यादा नहीं देनी है, मैंने आप लोगों को एक्चुअल प्राइस भी बता दिया कि एक्चुअल प्राइस मात्र 500 रुपया लगता है, वो भी केवल ऑनबोर्डिंग फीस है। और ये जो 500 रुपया लगता है ये
डायरेक्टली एयरटेल पेमेंट बैंक जो है कि बैंक को चला जाता है, कंपनी को चला जाता है, ना ही किसी जो है कि रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, सब डिस्ट्रीब्यूटर को, किसी के पास नहीं जाता है, ये डायरेक्टली कंपनी के पास चला जाता है। और कंपनी का ये प्लान है 500 रुपये का, ठीक है। ये भी सिक्योरिटी के तौर पर लिया जाता है, क्योंकि अगर कंपनी अगर फ्री में अगर आप लोग को दे देती है तो हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक का कोई मरवतें नहीं करेंगे, कोई यूजे नहीं करेंगे, इसलिए कंपनी जो है कि आप लोग को से कुछ न कुछ जो है कि फीस जरूर लेती है। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।